ये लोग का मस्ती देखिए। सबसे पहले तो आप सारे लोग को हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है इसको मुझे डालना था 30 तारीख के अंदर, बट किसी कारण वजह इस वीडियो बन नहीं पाया और बहुत लेट हो गया है। मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन वीडियो बहुत अच्छा है, फास्ट टू लेके लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सारे लोग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों तो आज जो दिन है ना वो लास्ट सोमवार है, सावन बोलते हैं ना, हाँ बोलबम हो गया, सावन हो गया, मुझे नहीं पता भाई, समू भाई कुछ बताओ ना अपना, हाँ आज क्या हो गया बताओ जी। समझ रहे, देखो ना मेरा भाई, हाँ बोलो बोलो। अच्छा छोड़ो, दे कहाँ कोई प्रताप उदित, हाँ उदित हाय, किसे कहबू की मजा लगवा मजा ठीक है। ये अपना गांव का दोस्त लोग है और ये नया दोस्त आप लोग देखेंगे, ये जगतपुर का है, हाय हाय भी हाँ। और ये हमारा प्रताप भाई। तो आज का दिन जो देखने वाले हैं ना बहुत कमाल धमाल होगा, ठीक है। जब इस वीडियो को क्लिक कर दिए है ना तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि खराब चीज को दिखाया जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे चीज को दिखाऊंगा, ठीक है। और उधर इतना ज्यादा मजा कर देंगे तो आगे कैसे पता चलेगा, है ना। आगे जैसे हम लोग यहाँ पे आए ना वेद व्यास में, वहाँ पे देख रहे हैं तो खूब ज्यादा डांस कर रहे हैं, दिल कर रहे हैं डांस करने के लिए, लेकिन अभी नहीं, अभी तक जोश नहीं आया है, क्या बोलते हो ना, अभी हमारे पास में बहुत वक्त है, उसके बाद में डांस करेंगे तो रुकेंगे नहीं, है ना। और अगर डांस करेंगे तो आप लोग को वीडियो कौन दिखाएगा, इसके कारण है कि हम आप लोग को दिखाने के लिए आए हैं, हम खुद ही डांस करने नहीं आए। ओके तो चलिए, कहीं जी मंदिर दे स्वर्ग द्वारा, स्वर्ग द्वारा देखने के लिए, स्वर्ग द्वारा दोस्तों वो रहा स्वर्ग द्वारा। चलो हमारे साथ में शंभू भाई है जो कि बोल रहे हैं स्वर्ग द्वारा चलो बोल रहे हैं, तो हम कभी गए नहीं है, हालांकि नए नए जगह में किसी के साथ में जाने से अच्छा लगता है, जो जानकारी इंसान के साथ में जाने से अच्छा लगता है, तो हम लोग अभी घुस रहे हैं स्वर्ग द्वारा। चलो केंद्रीय तो गाइस हम लोग जहाँ पे आए हैं ना, ये किसको क्या बोलते हैं शंभू, इसको क्या बोलते हैं, स्वर्ग द्वार, और ये जल रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल रहे हैं उसको जी, हाँ लाश जला रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और देखिए और क्या, आदमी को मुक्ति के लिए अंदर लाया जाता है। अच्छा, और के बाद यही करना पड़ता है जलाने के लिए, सीधा जैसे स्वर्ग में जाना बोलते। अच्छा घूमने के लिए गए ना, तो
काफ़ी सारा जो लाश है ना वो सबको जला रहे हैं, तो इसलिए हम लोग का जो अभी आज का जो दिन है ना वो अच्छे से नहीं मना पाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ से हम लोग जल्दी निकल जा रहे हैं, उधर जाएंगे अच्छा लगेगा ना। ठीक, हेलो दोस्तों, मैं ये बताने के लिए आया हूँ और ये दिखाने के लिए भी, ठीक है, कि एक इंसान जब जन्म लेने के बाद में उसका सफ़र किस प्रकार होता है अपना लाइफ का, तो उस चीज़ का हम लोग देखने वाले हैं अभी। तो संभव दिखाओ, सबसे पहले इस प्रकार रहता है, उसके बाद में धीरे धीरे उसका समय जैसे बढ़ता है ना वैसे आगे किस प्रकार होता है, ये मेरे ख्याल से ये हो गया पैदा, इसके बाद में एक साल, दो साल, ये तीन चार साल, उसके बाद में ये इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते हैं उसका लाइफ में एक शादी भी एक होता है ज़िंदगी में, शादी होने के बाद में माँ बाप बनते हैं उसका, फिर वो नाना नानी बनते हैं, फिर दादा दादी बनते हैं, फिर उधर दादा दादी बनने के बाद में एक इंसान का लाइफ ख़त्म हो जाता है, तो उसका एक अंकाल है और इसका पीछे में ही स्वर्ग द्वार है, क्योंकि एक अंकाल होने के बाद में मर जाने के बाद में फिर उसको किस प्रकार स्वर्ग द्वार इस जगह में लाया जाता है और उसका शरीर को जलाया जाता है ना, तो इस प्रकार उसका लाइफ है। तो कोशिश करूँगा, आज हमारे साथ में शंभू है जो कि आज नया नया चीज़ को दिखा रहा है मुझे, और मुझे पता है कि आप लोग भी देखे हैं ये वाला जो जगह को, मेला में जब हम आए थे तो ब्लॉगिंग किए थे, आप देखे थे, बहुत प्यार दिए थे, मुझे पता है। अभी फिर शंभू के साथ में ये बोलबम में आए हैं, तो शंभू नया नया चीज़ को दिखा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ठीक है, और देखते हैं और क्या क्या दिखते हैं। हाय भाई लोग, कैसे हो, कहाँ से हैं भाई लोग आप? रायगढ़ से। भाई साहब बढ़िया लग रहा है। ये जो जगह है ना, इस जगह में देख पा रहे हैं सबको, इस जगह में नहाते हैं, इसके बाद में कहा जाए तो धार्मिक बात किया जाए तो लोग स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद में यहाँ से पानी उठाएंगे, पानी उठाने के बाद में सबसे पहले शंभू क्या करेंगे, पानी को यहाँ पे मंदिर में डालेंगे, उसके बाद में जो बचेगा उसको फिर आएंगे। हाँ, तो शंभू भाई जिससे बताएं कि यहाँ से पानी उठाएंगे, पानी उठाने के बाद में फिर मंदिर में डालेंगे, मंदिर में डालने के बाद फिर वापस आएंगे, वापस आने के बाद में फिर गोबर ले जाएंगे पैदल, वो भी खाली पांव में, ठीक है, इस प्रकार तो यहाँ पे ऐसा होता है। और यहाँ पे ऐसे बनाया गया है कि एक तरफ लेडीज है और इस तरफ जेंट्स है, ठीक है, और अगर कभी ऐसा कभी ना हो बोल के वहाँ पे रेस्क्यू टीम भी वहाँ पे डाला गया है, जो अगर कोई अंदर ही चला जाता है तो रेस्क्यू टीम वहाँ से बचा लेंगे। मैंने अभी जैसे कि बताया यहाँ से पानी उठाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे सामने में ही यहाँ पे डालने के लिए जाएंगे मंदिर में, मंदिर में डालने के बाद में फिर से पानी लेने के लिए यहाँ पे उतरेंगे, उतरने के बाद में फिर जाएंगे घोघर, ठीक है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आगे चलते हैं।
तो उस जगह में अभी क्या हुआ कि पानी भरे, ठीक है, सब कोई नहाए धुले और पानी भरने के बाद में हम लोग निकल चुके हैं आगे और सामने में फिर आप लोगों को सारा दिखाएंगे। यहाँ पे हमारा दोस्त लोग है, वो लोग भी पानी पकड़े हैं और कुछ लोग बड़ा सा घड़ा या फिर क्या बोलेंगे उसमें पानी पकड़े हैं। तो जा रहे हैं हम लोग सब।
ये लोग का मस्ती देखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, समय हो चुका है सुबह को 5 बजे, तो इसलिए अभी आप लोग को गुड मॉर्निंग एंड शंभु गुड मॉर्निंग। हाँ, तो ये लोग तो अभी रहेंगे, मेरे पास में वक्त नहीं है इसलिए मैं अभी घर जा रहा हूँ। बाकी यहाँ तक आए और अंदर घुसेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि हम शंभु टाटा तो हम आगे का दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन इतना जो दिखा है यही काफी है समझ लीजिए। और वक्त होता तो मैं पूरा दिखाता, बट नहीं है वक्त, इसलिए आप लोग से क्षमा मांगता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फाइनल, थैंक यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय।